आज मैं आपके सामने मक्खन की रेसिपी लेकर के आई हूँ। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी को माखन बहुत पसंद था और कृष्ण जन्माष्टमी पर मक्खन का प्रसाद सभी जरूर लगाते हैं। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। हेलो गाइस, मैं हूँ अर्चना। अर्चना ग्लोबल किचन में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए अर्चना ग्लोबल किचन को और बेल आइकन दबाकर ऑल करें ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। यहाँ पर मैंने 15 दिन की दूध की मलाई लिया है, जो कि इस तरह घर की दूध की मलाई, जिसे आप रोज इस तरह से कंटेनर पर रोज स्टोर करते जाएंगे और इसे फ्रिज में रखें ताकि खराब ना हो। जब दूध की मलाई से मक्खन निकालना हो तो 2 चम्मच दही डालें और इसे मिक्स कर दें और इसे ओवरनाइट रख दें और सुबह इस मलाई से मक्खन निकालेंगे तो ऐसा करने से मक्खन अधिक निकलेगा। इस मलाई को इस तरह से बड़े बर्तन में निकालेंगे और इसमें 15 से 20 आइस क्यूब डालेंगे और इस तरह से मथनी से मथेंगे। इसे मथते हुए 5 से 7 मिनट हो गए हैं। देखिए मक्खन ऊपर आ गया है। मैं इसे चम्मच से दिखाती हूँ और इसे हाथ में ले करके इसका पानी इस तरह से दबा के निकाल देंगे और इसका गोला बना के प्लेट में रखते जाएंगे। मोटी मलाई कैसे निकालें इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप देखें। एक बर्तन में चिल वाटर यानी कि फ्रिज का ठंडा पानी लेंगे और उसमें इस मक्खन को डाल के हम निकाल लेंगे, जिससे हमारा मक्खन धुल जाएगा और इसका दूध वाला पानी निकल जाएगा और मक्खन का स्वाद अच्छा आएगा। इसे हम चीनी मिट्टी के इस बाउल में रखते जाएंगे। देखिए घर बैठे हमारा मक्खन, ताज़ा मक्खन इस तरीके से तैयार हो गया है। इसे हम प्रसाद के लिए पेश करेंगे। फ्रेंड्स, मेरी ये रेसिपी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक ज़रूर करें, अपनी फैमिली मेम्बर में शेयर करें। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए अर्चना ग्लोबल किचन को, बेल आइकन दबाकर ऑल करें ताकि मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। हमें इंस्टाग्राम और मोज में ज़रूर फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।